तो हेलो दोस्तों, टाइटल एंड थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। वी आर प्लेइंग गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस बट विद न्यू टीम्स। भाई इस बार गुजरात के कैप्टन शुभमन गिल है और रोहित शर्मा तो है मुंबई इंडियंस के कैप्टन, बट गुजरात के एक्स कैप्टन खेलने वाले मुंबई इंडियंस। भाई हार्दिक पांड्या मुंबई में ट्रेड हो चुका है, पर थोड़े से प्लेइंग 11 में चेंजेस होंगे क्योंकि गुजरात ने किसी भी प्लेयर को ऐड नहीं किया है, सिर्फ रिलीज किया है ऑलमोस्ट प्लेयर्स को। और भाई हार्दिक पांड्या मुंबई से खेलने वाले, तो दोनों टीम की प्लेइंग 11 मैंने एकदम सही बनाई है जो एक्चुअली पॉसिबली प्ले हो सकती है अभी के लिए। तो मैच होने वाला है T10 फॉर्मेट में, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स बिगिन। भाई वी आर इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, भाई NMS नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यही शॉर्ट फॉर्म। ये दोनों टीम की प्लेइंग 11 भाई बहुत ही सही मैंने प्लेइंग 11 बनाई है। अब स्टार्ट करते हैं गेम को। भाई ग्राउंड तो बहुत सही, रियल सी ग्राउंड है, रियल सी क्या प्रॉपर रियल ग्राउंड है, और बॉलिंग विकेट लग रही है भाई ये मेरे को। तो फटाफट टॉस पर चलते हैं। टॉस में हमेशा की तरह हारता ही हूँ, बिकॉज भाई मैं टॉस जीता तो बात ही खत्म हो जाए। मुंबई कॉल टे हेड्स और टॉस। भाई मैं क्रिकेट 24 में टॉस जीत जाता हूँ। बॉलिंग लेंगे हम पहले लेंगे हम बॉलिंग। भाई रोहित शुभमन गिल न्यू कैप्टन, और भाई क्या खूबसूरत ग्राउंड लगता है यार, लेजिट। दोनों स्टैंड्स भी बिल्कुल वैसे हो, टाटा न्यू बॉक्स भी है ग्राउंड के अंदर। तो भाई पहली ओवर डालने वाले समी भाई गुजरात टाइटंस के लिए, और बहुत सक्सेसफुल ओवर, बहुत सक्सेसफुल बॉलर रहे वर्ल्ड कप के और इंडिया के लिए। तो भाई पहली ओवर खेलने वाले, पहली बॉल खेलने वाले रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी वर्सेस रोहित शर्मा, स्लोअर इन स्विंगिंग यॉर्कर, पहली बॉल लेट्स गो। और भाई चौके से स्वागत किया है यहाँ पर समी भाई के बॉल का रोहित शर्मा ने। भाई हिटमैन शर्मा ने पहले ही बॉल पे जस्टिफाई कर दिया कि वो हिटमैन क्यों है, भाई पहले ही बॉल पे चौका, ये तो मेरे लिए बुरी बात है, बट अब कोई बात नहीं, हम कमबैक करेंगे। भाई बहुत सही फाइन लेग पर खेला था और गैप में ढूंढ लिया चौका। सेकंड बॉल फास्ट इन स्विंगर, और भाई खेला है मिड ऑन के ऊपर, बट लॉन्ग ऑन बॉल वापस आ जाएगा और एक रन से स्ट्राइक रेट हो गई है। और भाई रोहित शर्मा जो ईशान किशन इज ऑन द स्ट्राइकर्स एंड, भाई ईशान किशन बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं आईपीएल में। थर्ड बॉल फास्ट आउट स्विंग कर दिया ईशान किशन को, कट सेट ऑफ वेल इन द आउट, अंपायर हेलो। भाई ये कैमरा एज तो कनेक्ट हुई लेकिन बॉल बाउंस हो गया। भाई एज कनेक्ट हुई बट बॉल बाउंस हो गया। अरे यार ये कैमरा एंगल ने अपील मांगते तो भाई ब्रॉडकास्ट कैमरा एंगल चेंज हो जाता है ग्लिच की वजह से, और स्ट्राइक प्लेयर भी रोटेट हो जाता है। भाई देखो ईशान किशन नॉन स्ट्राइक एंड पे चला गया और सूर्य कुमार रोहित शर्मा आ गया स्लोअर इन स्विंगर। भाई मिड विकेट पर ये तो भाई ग्लिच के चलते भाई स्ट्राइक रोटेट हो गए। मैंने ईशान किशन के लिए फील्डिंग सेट करके रखी थी। भाई यार गेम के ग्लिच कम करो यार, इतनी महंगी गेम है फिर भी ग्लिच। फिफ्थ बॉल इन स्विंगर दिया एक और आखिरी बॉल पर। भाई पहले ओवर में 13 रन आए। भाई समी भाई ऐसी बॉलिंग करते नहीं है, बट ये ग्लिच का बहुत सही ग्लिच है। भाई सेकंड ओवर के लिए मोहित शर्मा आए। भाई आई थिंक मोहित शर्मा विकेट निकाल सकते हैं अपने स्लोअर बंस पर। पहले ओवर में 13 रन आए और मोहित शर्मा से स्लोअर इन स्विंगिंग यॉर्कर देते हैं पहली बॉल, लेट्स सी। भाई ये क्या है यार, मिड विकेट पर चौका चला गया ये तो। भाई रोहितमैन शर्मा की तरह बैटिंग कर रहा है रोहित शर्मा, नहीं रोहितमैन शर्मा बैटिंग कर रहा है यहाँ पर। लास्ट दो बॉल वाइड गए भाई स्लोअर इन स्विंगर। Lovely cover drive. भाई अब लास्ट दो बॉल वाइड गए तो अब उनको अच्छे बॉल देने पड़ेंगे, और यहाँ पर डॉट बॉल थर्ड बॉल फास्ट इन स्विंगर देते हैं रोहित शर्मा को। Perfectly timed. भाई सही जगह पे बॉल तो आया है, चौका नहीं जाना चाहिए बिल्कुल, दो रन मिलेंगे भले। भाई थ्रो लग गया भाई, आई थिंक ईशान किशन होगा भाई जो भागा था। भाई डायरेक्ट वहाँ से मैंने तो थ्रो मारा था, मुझे पता था कि ईशान किशन यहाँ कुछ कर रहेगा। भाई ईशान किशन तीसरे रन के लिए भागेगा, भाई मेरी गलती नहीं है, भाई ये कोई ग्लिच नहीं था, ईशान किशन खुद ही भागा है तीसरे रन के लिए। भाई मैंने बॉलर एंड पर थ्रो दिया और ईशान किशन रन आउट हो गया। भाई चार रन पर रन आउट हुआ है, सभी ने विकेट निकाल दिया ईशान किशन का, सभी भाई ने रन थ्रो मारा बहुत सही से। भाई सूर्य कुमार यादव इज हियर, भाई वन डाउन आया है सूर्य बैटिंग करने के लिए। फोर्थ बॉल स्लोअर आउट स्विंगर रोहित भाई को, स्ट्राइक बैक पास। भाई रोहित भाई ने वो रनआउट का बदला तो नहीं लिया ना भाई, उस पर एकदम फेंक कर चौका लगाया मेरे को।
बहुत ही सही डाउन द ग्राउंड फोर मारा ही है। लास्ट बॉल में दोस्तों फोर आया था और फिफ्थ बॉल एक बाउंसर ट्राई करना चाहिए मेरे को, बैक फुट पर जाके कवर ड्राइव था बट डॉट बॉल। मुझे लग रहा है रोहित शर्मा आज 50 बना सकते हैं भाई। मैं तब भी तारीफ करता हूँ किसी प्लेयर की वो नेक्स्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं। आखिरी बॉल ओवर का फास्ट इन स्विंगिंग और कर देते हैं। नॉट शॉट एंड ऑफ द ओवर अ बिग वन 16 रन्स कमिंग फ्रॉम इट 16 रन भाई क्या हो रहा है भाई मुंबई वालों किसे मार रहे हो यार भाई दे तो दिया हार्दिक पांड्या क्या दिक्कत है आप कौन सा ग्रेजिस है भाई कौन सी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं भाई रिस्क लेके मैं राहुल तेवतिया को थर्ड ओवर दिया है जबकि मुझे नूर अहमद को देना चाहिए था वो भाई दो ओवर में 29 रन बने और एक विकेट डाउन है। गूगली देते हैं भाई सूर्य कुमार यादव को पहली बॉल और खेला है कवर की तरफ दो रन मिल सकता है यहाँ पर एक ही रन लिया भाई स्ट्राइक आउट हो गई है रोहित शर्मा इज ऑन द स्ट्राइक सेकंड बॉल लेग ब्रेकर है right shot nice and compact on the front foot head was perfect still well bowled batting that's another ye banda kya batting kar raha hai crazy bhai presented the full khatarnak bhai down the ground kya shot khel raha hai rohit sharma bhai down the ground bhi khel raha hai shot hone ke baad fir chhakke marne pe aa jayenge third ball googly try kiye yahan par agar sahi se jaye to mujhse inside the line and pulled away dot ball last ball dosto dot gaya tha fourth ball बैक फुट पे जाके पंच किया है मिड विकेट को ऊपर और फोर भाई तेवतिया भी पिट रहा है समी भी पिटा मोहित शर्मा भी और भाई मारने वाला रोहित शर्मा है सबको भाई 13 बॉल में 31 रन बना दिए रोहित भाई ने एक बाहर जाती हुई गूगली देते हैं फिफ्थ बॉल ही है कैच 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 भाई कैप्टन को आउट करने के लिए कैप्टन ने कैच किया भाई स्टेप आउट किया था रोहित शर्मा ने खेलने के लिए और भाई बॉल इतना बाहर निकला नहीं ऊपर गया लेकिन दूर नहीं और भाई तेवतिया ने विकेट निकाल दिया भाई पिटा तेवतिया बट भाई तेवतिया ने कमबैक किया शुभमन गिल ने अगर कैच ड्रॉप किया होता ना तो 50 हो थी रोहित भाई की यहाँ पर 14 बॉल में 31 और एक सिक्स नहीं मारा रोहित भाई और जबकि 38 रन टीम के है भाई हार्दिक बैटिंग करने के लिए आ गया यहाँ पर आखिरी बॉल है ओवर का गूगली से ओवर को एंड करते हैं हार्दिक पांड्या की Let's go, boy. भाई बाहर दिया था गुगली और भाई हार्दिक पांड्या स्टेप आउट किया है और भाई मिस कर गया हार्दिक बट वृद्धिमान शाह ने मिस नहीं करा और गोल्डन डक सालो एक्स कैप्टन था तुम्हारा भाई पहले मुंबई ने पर्सनल क्रेजिस निकाले अब गुजरात की बारी है भाई बहुत ही सही स्टेप बहुत सही स्टंपिंग की भाई मिली सेकंड एक सेकंड के अंदर भाई वृद्धिमान शाह ने स्टंप कर दिया देखो जैसे ही बॉल को रिसीव किया भाई स्टंप कर दिया वृद्धिमान शाह ने यहाँ पर जैसे ही रिसीव हुआ एक सेकंड में वो कर दिया और भाई हार्दिक को फिर रियलाइज हुआ कि उसने टच नहीं किया है उसने हिट नहीं किया है बॉल को और भाई गोल्डन डक हार्दिक पांड्या व्हाट द हेल ब्रो भाई ब्रेविस आया है बैटिंग करने के लिए 3 ओवर में 38 रन बने और 3 विकेट डाउन है एमआई और भाई एमआई का लास्ट ओवर बहुत ही गलत गया है और गुजरात का अच्छा गया है वो ओवर अब सूर्य कुमार और ब्रेविस को पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी पहला बॉल डॉट आया था सेकंड बॉल स्लोअर इन स्विंगर एज्ड इट भाई फ्रंट एज लगा बट वहां कोई था नहीं तो ये भी डॉट बॉल भाई अभी यहां पर गुजरात अभी यहां पर जैसे मुंबई को अपने रन्स बिल्ड करने चाहिए जहां की बाउंड्रीज कनेक्ट करनी चाहिए भाई अभी सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है बट नो रिवॉर्ड बट पुटिंग प्रेशर ऑन द बैटर स्लोएस्ट एनालाइज फोर्थ बॉल स्लोएस्ट एनालाइज बॉल दिया है भाई बीट किया यहाँ पर ब्रेविस को अगर कनेक्ट हो जाता ना एज वगैरह तो विकेट मिल जाता आखिरी बोले मोहित शर्मा के ओवर का इन स्विंगर दिया है एक परफेक्टली बट भाई वो लेग साइड पता नहीं इन स्विंगर लेग साइड बहुत चला जाता है भाई ये फाइन लेग पर फोर्थ चला गया और भाई तेवतिया ने दो विकेट निकाले थे तो मैं प्रॉपर स्पिनर नूर अहमद को लाया हूँ भाई ब्रिस्ट स्पिनर है नूर अहमद क्या पता विकेट निकालते 4 ओवर में 44 रन बचे और 11 का एवरेज है मुंबई का और 3 विकेट डाउन है गूगली दिया यहाँ पर लेग साइड पर एक ही रन मिलेगा दो का चांस भी नहीं है सोचना भी नहीं चाहिए दो का तो सूर्य कुमार यादव इज ऑन द स्ट्राइक सेकंड बॉल लेग ब्रेकर भाई आज का दिन लगता है गुजरात का है भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच है होम एडवांटेज ले रही है गुजरात टाइटंस और स्पिनर उनके बहुत ही कमाल कर रहे हैं भाई सूर्य पढ़ नहीं पाया और सूर्य को जाना पड़ेगा पवेलियन सिर्फ 6 रन बनाए सूर्य ने भाई विकेट पर विकेट जा रहे हैं भाई मुंबई को कुछ ना कुछ करना कमबैक करना पड़ेगा यहाँ पर बॉलिंग विकेट है आई नो बट अब तिलक वर्मा देखते हैं किसे बैटिंग करेंगे भाई नूर अहमद वर्सेस तिलक वर्मा एक गूगली ट्राई की है यहाँ पर कवर ड्राइव बट डॉट बॉल फोर्थ बॉल एक और गूगली अंदर आती हुई ये मस्त फोर मारा भाई बहुत ही सही फोर मारा स्वीप किया था और चौका चला गया
तिलक वर्मा ने अपनी इनिंग को फोर से स्टार्ट करा है और नूर अहमद को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छा दिया था नूर अहमद ने लास्ट में, दोस्तों फोर गया था और अभी टॉप स्पिन दी है और यहाँ पर मुझे सिक्स लग रहा है बिल्कुल। भाई हम स्लॉट में बॉल दे रहे हैं तिलक वर्मा के, आई डोंट नो व्हाई। लास्ट बोलो दोस्तों, इसके पहले वाले बॉल पे हमको सिक्स पड़ा था और यहाँ पर भी आई थिंक सिक्स ही पड़ा है। चौका भाई, जब भी मुझे विकेट चाहिए होती है मैं राशिद खान को बुलाता हूँ गुजरात से बॉलिंग करने के लिए। तो अब राशिद भाई इज हियर, भाई 5 ओवर 59 रन बनकर 4 विकेट डाउन है मुंबई, अंदर आती हुई गूगली ब्रेव इज वर्सेस राशिद। Lovely cover drive. भाई आज मेरा हुकुम का एक चलना चाहिए विकेट निकालने के लिए। आखिरी बोले ओवर का गूगली से ओवर को कंप्लीट करते हैं। तो भाई मेडिन डालना चाहिए था, तिलक वर्मा को आउट करना पड़ेगा। भाई बड़ा विकेट बन गया तिलक वर्मा, बड़ा विकेट बन गया भाई, सेट हो गया है बंदा और बाउंड्रीज कनेक्ट कर पा रहा है। भाई राहुल तेवतिया हमारे लिए 2 विकेट निकाल चुका, तो तेवतिया कोई ओवर देते है क्या पता एक और विकेट निकाल दे। भाई 6 ओवर में 63 रन बने मुंबई के और गूगली देते है राहुल तेवतिया से पहली बॉल। That's a big one, a maximum away she goes. Six से कवर से ऊपर। हाँ भाई ये मिनी ये भी नहीं धोना दे मेरे को, लेजिट ना धोते। आखिरी बॉल है ओवर का, सेवंथ बॉल, सिक्स्थ बॉल आखिरी बॉल है भाई। ब्रेविस ने स्लेज किया था और इसीलिए स्लेज किया था। भाई जोर आए यार ये दोनों एंड से मार रहे हैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। भाई मुझे हर बॉल के लिए फील्डिंग चेंज करनी पड़ रही है और ये फिर भी मुझे मार रहे हैं ये दोनों। भाई 7 ओवर में 80 रन बने और 4 विकेट डाउन है। स्लोअर इन स्विंगर विजय शंकर से पहली बॉल। Can't hit it any more sweetly than that. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flying over the boundary. भाई इनका विकेट निकालने के लिए कौन सी लाइन पे बॉल दूं? फास्ट इन स्विंगिंग यॉर्कर। Oh my word, that is huge. गलत टाइम, गलत लाइन पर चला गया, गलत लाइन पर चला गया। Runs are starting to come now. Really good shot for six. This innings is starting crazy to build. पिटाई हो रही है मेरी, क्या करूं मैं, कौन सी लाइन पर बॉल दूं? भाई हर बॉल सिक्स उठा रहे हैं ये लोग। लास्ट बॉल है दोस्तों ओवर का, स्लोअर बाउंसर से ओवर को एंड करते हैं। Just open the face of the bat really well through the infield. भाई मुझे लग रहा है ये गेम बहुत ही बड़ा जाने वाला है। भाई 50 कम अप फॉर ब्रेविस एंड तिलक वर्मा, भी पार्टनरशिप बिल्ड कर ली भाई बंदों ने। भाई राशिद खान आया है 9th ओवर के लिए। भाई राशिद खान ने पहले ओवर मुझे 4 रन दिए थे अपने और 8 ओवर में 97 रन बने और 9th ओवर के लिए राशिद खान आया है। भाई एक गूगली देते हैं राशिद खान से तिलक वर्मा को पहली बॉल। भाई कम ऑन थोड़ी दबा के बॉलिंग करनी पड़ेगी, भाई थोड़ी दबा के बॉलिंग करनी पड़ेगी। कम ऑन राशिद भाई, एक विकेट चाहिए। थर्ड बॉल अंदर आती हुई लेग ब्रेकर, बिल्कुल बिल्कुल भाई डेस्परेट था शॉट लगाने के लिए और स्टेप आउट करा बट स्टंप हो गया। भाई तिलक वर्मा अच्छा है, सस्ते में निपट गया। लाइक 28-30 रन बनाए होंगे शायद तक। भाई एज रख के बॉल बाहर गया हो ना, ऐसे बाहर जाता तो अंपायर वाइड दे देता यहाँ पर देखो। भाई बहुत ही बड़ा विकेट मिला है, बहुत बड़ा विकेट मिला है। भाई लगन था तिलक वर्मा इतनी अच्छी बैटिंग कर जाएगा, भाई करता है ऑब्वियसली नो डाउट और प्रेशर में कर देता है, बट भाई मुझे नहीं पता था कि आज खेलेगा। भाई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी प्लेयर को, जैसे हार्दिक पांड्या 0 पर आउट हो गया, 26 पर गया तिलक वर्मा, 14 बॉल में 26 बनाए और भाई एकदम सही से स्कोर बिल्ड किया अपनी टीम के लिए। टीम डेविड आया है भाई, ये भी कुछ बॉल में बाउंड्रीज लगा सकता है। फोर्थ बॉल भाई बाहर जाती हुई लेग ब्रेकर दिया टीम डेविड को, बाउंड्री नहीं जानी चाहिए, बाउंड्री नहीं जानी चाहिए, भाई रोकना विजय शंकर। फिफ्थ बॉल भाई गूगली देते एक बाउंस के साथ। Great balance swept away. They found the gap on the leg side. They should get a couple at least. भाई एक स्लाइडर बोल देते हैं बाहर जाती हुई फुल टॉस के साथ। Too much room and got. चौका नहीं है वो। Really playing. हाँ यार एक विकेट क्या निकाल दिया टीम डेविड ने, 3 बॉल में 3 कंटिन्यूअस बाउंड्रीज मारी है मेरे को और ये कवर्स पे लास्ट बॉल पे भी 4 चला गया। भाई लास्ट ओवर है भाई, समी भाई ने पहले ओवर में 9-13 रन दिए थे। भाई ब्रेविस वर्सेस समी, 5 आउट्स होंगे ट्राई करते हैं। 109 रन बन गए अभी तक मुंबई के। ब्रेविस एक ही रन मिलेगा ब्रेविस से। सेकंड बॉल फास्ट इन स्विंगर टीम डेविड वर्सेस समी। नाइस शॉट, रन इज पॉसिबल। Well, he sometimes just have to stop and admire batting like that. कैसे गैप ढूंढ पा रहा है ब्रेविस ने, टीम डेविड ने 4 कंटिन्यूअस 4 मारे भाई, अभी 400 का स्ट्राइक रेट है बंदे का। थर्ड बॉल एक और फास्ट इन स्विंगर, भाई यहाँ पर एक ही रन मिलेगा। लास्ट बॉल ओवर का, भाई अभी तक एक ही बाउंड्री आई है ये ओवर में। इन स्विंगर देते हैं आखिरी बॉल, उठाया और ये सिक्स है। क्या बैटिंग करा भाई, बहुत ही सही लाइनअप है बैटिंग के लिए मुंबई के पास, बहुत ही सही लाइनअप है।
और भाई अभी तो और प्लेयर्स ऑक्शन में खरीदेंगे ये लोग। Way too many easy runs in that innings. It's a big total to chase down. भाई 122 runs बना दिए 123 to win, जबकि मैंने गेम को संभाल के रखा था, बट भाई मिडल ऑर्डर ने जो मेरा डेथ करा है, क्रेजी भाई क्रेजी। देखो रोहित शर्मा ने ओपनिंग में 31 रन बनाए, ईशान किशन, सूर्य कुमार, हार्दिक पंड्या ने सिर्फ मिलके तीनों ने मिलके सिर्फ 10 रन बनाए। ब्रेविस नॉट आउट 30 रन, तिलक वर्मा 26 रन, टीम डेविड 6 ओवर 23 रन। This is a very defendable total. The openers will need to get अब देखते हैं अपने ओपनर्स क्या करते हैं। मुझे बहुत अच्छे से खेलना पड़ेगा यहाँ। 12 का रन रेट है भाई यहाँ पर जीतने के लिए। पहली ओवर बुमराह डालने वाले, 10 ओवर में 123 रन चाहिए। लेट्स सी बुमराह का पहला बॉल कैसा होता है। गिल को कैप्टन गिल को पहली बॉल खेली है गिल ने, मिड विकेट पर 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। Good pick up, big chance. तो ठीक है भाई, 2 रन आए पहले बॉल पर। सेकंड बॉल भाई जैसे रोहित शर्मा ने बड़ी विनिंग खेली है, भाई गिल को भी खेलनी चाहिए अपनी टीम के लिए। ये वाइड होगा, वाइड होगा। अंपायर लास्ट बॉल ओवर का भाई, भाई मारा बैक फुट पे जाके, बैक फुट भाई 6-6-6 बिग भाई स्लॉट में बॉल आ गया वृद्धिमान शाह की, और बैक फुट पे जाके बहुत ही सही लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 मारा भाई वृद्धिमान शाह ने ये वाला। भाई मुझे पता नहीं बुमराह ने यॉर्कर की जगह यहां पर गुड लेंथ पे क्यों बॉल दिया। बैरन डफ आया है सेकंड एंड से, बैरन डफ का इकोनॉमी भी बहुत अच्छा है भाई। पहले ओवर में 11 रन आए भाई, हमको पर ओवर 12 रन चाहिए जीतने के लिए। बैरन डफ वर्सेस शुभमन गिल पहली बॉल does very well to quickly get across to this one. Chance. Oh, bhai, bhai, run out ka chance tha yahan par. Bhai, Shubman Gill, kya kar raha hai tu? Third ball. Let's see. भाई क्रेजी सिक्स मारा ये मिड ऑन मिड विकेट के ऊपर, बहुत ही क्रेजी सिक्स था भाई। स्लॉट में बॉल दे दिया गिल के, और गिल ने प्लॉट में डाल दिया वो बॉल भाई, खड़े खड़े बहुत ही सिक्स मारा। आई थिंक 100 प्लस का होगा ये, और रोहित शर्मा ने फील्डिंग सेट कर दी भाई, 128 मीटर का सिक्स था वो। फोर्थ बॉल बाउंसर दिया था, पुल किया गिल ने और चौका भाई, 30 यार्ड्स पर कैच करने का ट्राई था वो, देखो ट्राई किया था 30 यार्ड्स पर, पीछे हार्दिक पंड्या देख रहा है भाई गिल का शॉट खेलते हुए। लास्ट बॉल है वृद्धिमान शाह वर्सेस बैरन डॉफ, और जा रहा है मिड विकेट पे फोर भाई। ये ओवर अच्छा गया, 13 रन के एवरेज बनाए हमारा भाई, ये ओवर में 15 रन आए, जबकि बहुत ही अच्छी बैटिंग की दोनों ने, बहुत अच्छी बैटिंग की यहाँ पर। थर्ड ओवर के लिए हार्दिक पंड्या आया है भाई अपने अपने ही एक्स प्लेयर को बॉलिंग करने के लिए। करंट कैप्टन वर्सेस एक्स कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस शुभमन गिल को हार्दिक पंड्या बॉलिंग करेगा भाई। गिल ने पेल दिया, अब गिल ने पेल दिया भाई, फुल शॉट पे फोर, पहली बॉल पे बाउंसर दिया था हार्दिक ने, बहुत ही सही, बहुत ही सही बैक फुट पे अगर पुल किया देखो ये, और हार्दिक ने लाइक सीधा सीधा ही बॉल दे दिया, बॉल घुमा नहीं। सेकंड बॉल भाई कैप्टन गिल सही से बैटिंग कर रहा है यहाँ पे, एक और भाई लेग साइड फील्डिंग क्यों नहीं रखी है पता नहीं भाई हार्दिक क्या सोच रहा है, बाउंसर पे बाउंसर दिया जा रहा है और भाई फील्डिंग सेट नहीं कर रहा भाई। कैप्टन गिल तो खेल रहा है अपना। थर्ड बॉल भाई दो कंटिन्यूस बाउंड्रीज आ गई है। वाय वाय हार्दिक भाई, वाय भाई क्या हो गया है भाई, गुजरात से प्यार छोड़ा नहीं है क्या हार्दिक भाई ने भाई। ये दो कंटिन्यूस 4-1-6 भाई, तीन बॉल में 14 रन आ गए, और भाई गिल क्रेजी क्रेजी बैटिंग कर रहा है भाई। ये क्या हार्दिक लेफ्ट साइड फील्डिंग सेट क्यों नहीं कर रहा, राइट साइड पे कोई रख ही नहीं रहा हार्दिक। एक और बाउंसर था, फोर जा रहा है कि कैच है, और बॉल सारे बाउंसर दे रहा है भाई। बॉल अब मैं समझा भाई, बॉल जा रहे सर ऑफ साइड की तरफ, और मैं उधर ही खड़ा हूँ ना भाई ऑफ साइड पे, इसलिए राइट साइड पे कोई फील्डर नहीं है लेग साइड पर। और भाई अभी तक 18 रन आ चुके हैं ये ओवर में भाई, ये बाहर जा रहा था, और ये एक्चुअली बाहर जा रहा है, बट बाउंड्री के हार्दिक पंड्या से बदला लिया है गिल ने भाई। हार्दिक भाई ऐसी बॉलिंग कर कैसे रहे मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन गिल बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहा है, और वो गिल करता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर भाई। रोहित भाई समझा रहे हैं हार्दिक पंड्या को कि भाई क्या कर रहा है भाई, बहुत ही एक्सपेंसिव ओवर गया है अभी तक तो ये, और खत्म नहीं हुआ है। आखिरी बॉल पे भी भाई चौका लगाया, कवर ड्राइव किया है, आई थिंक कवर ड्राइव नहीं था वो, मैंने देखा नहीं कवर ड्राइव था। और भाई 50 रन पार्टनरशिप कम अप फॉर ओपनिंग भाई पीयूष चावला आया है फोर्थ ओवर के लिए भाई, पीट दिया भाई 26 रन आए हार्दिक के वो ओवर में।
भाई 3 ओवर में 52 रन बनाए गुजरात टाइटंस ने और विद्यमान साइज हियर विद पीयूष चावला. गिल इज ऑन द स्ट्राइक और भाई गिल तो पता नहीं आज क्या खा के आया है भाई. लगता है गिल बदला लेगा. कैप्टन इनिंग खेल रहा है भाई गिल. रोहित शर्मा से ज्यादा रन बना दिए गिल ने और कम बॉल में. पीयूष चावला की अच्छी लाइन एंड लेंथ को गिल ने डिस्ट्रॉय कर दिया. मैं बोलूंगा भाई कवर्स के ऊपर बहुत सही सिक्स उठाया गिल ने यहाँ पर. लास्ट बॉल ओवर का लेट्स सी. गुड बॉल भाई यार वापस स्ट्राइक पर गिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर गेम थोड़ा पैर पे गया. रोहित शर्मा ब्रो मुझे नहीं लगा था, मुझे नहीं लगता कि आउट होगा. देखते हैं अब क्या होता है. इंपैक्ट भी ऑफसाइड ही होगा ब्रो. इंपैक्ट भी बिल्कुल विकेट क्लोज टू द बैट though. विकेट सीटिंग है बट इंपैक्ट ऑफसाइड है ना. पिक अप ऑन एनीथिंग देयर. Very close to the bat. रूल है पिचिंग और इंपैक्ट ऑफसाइड हो तो नॉट आउट होता है वो. Was there a bat on it? Fielders think there was. भाई अब देखना अब स्ट्राइक कहां पे जाती है. Gill looking quite surprised. Okay, रिद्धिमान शाह आ गया. भाई 4 ओवर में 59 रन बने और कुमार कार्तिक क्या आया है बॉलिंग करने के लिए. Wow, that's missed a lot. मुझे लगा कि अपील मांग रहा है. फोर्थ बॉल भाई बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है कुमार कार्तिकेय ने. आई मस्ट से बैट का एज कनेक्ट हो गया था वहाँ पर. मुझे स्ट्रेट ड्राइव खेलना था बट टाइमिंग लेट हो गई और भाई कार्तिकेय ने बहुत ही बड़ा विकेट निकाला है यहाँ पर. भाई चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एज सुनाई दे रहा था वो. गिल 47 पर आउट हो गया भाई. सारे लोग दुखी है और पहला विकेट गया गुजरात का 61 पर और कैप्टन गिल गॉन ऑन 47. भाई विलियमसन इज हियर बट भाई अभी भी रन बनाने हैं हमको. भाई कार्तिक का की ओवर अच्छी गई है भाई से. भाई ये बॉल पे बाउंड्री आनी चाहिए. अरे यार भाई बैरन डॉफ आया. अभी बैरन डॉफ को ने एक ओवर में 15 रन मारे थे. क्या पता इसको टारगेट करना चाहिए विलियमसन से. 5 ओवर में 62 रन बने और 1 विकेट डाउन है गुजरात. लेट्स सी वाइड अंपायर वाइड बाउंसर सब दिया है इसने यहां पर. पहली बॉल भाई विलियमसन ने पहली बॉल पे सोच रखा था कि वो सिक्स मारेगा वाइड के बाद. भाई विलियमसन आई थिंक डिफेंसिव नहीं अटैकिंग अप्रोच से आया है और वो बहुत ही अच्छी बात है गुजरात के लिए. वो बहुत ही सही लेग साइड पे सिक्स मारा विलियमसन ने. सेकंड बॉल भाई लेग साइड पे पता नहीं फील्डर क्यों नहीं रख रहे ये लोग. फोर जाना चाहिए वैसे ये. बुमराह भाई बुमराह नहीं भाग पाया भाई. बुमराह भाग रहा था वहाँ पे बॉल पकड़ने के लिए बट नहीं पकड़ पाया और भाई 2 बॉल में 10 रन आ चुके और 1 वाइड. थर्ड बॉल लेट्स सी बॉल कहाँ पर आएगा. भाई फाइन लेग पर खेला तो है. ड्राइव किया था फाइन लेग पर क्लिक किया था सिर्फ डायरेक्शन दिखाए और भाई 3 बॉल में 3 कंटिन्यूस बाउंड्रीज आई है. रिमेंबर द नेम केन विलियमसन. फील्डिंग चेंज की और भाई 5th बॉल के लिए लेट्स सी केन विलियमसन की क्या अप्रोच होगी. भाई नहीं गया यार मिड ऑफ ओवर. मुझे उठाना था बट मिड ऑफ पर ही कैच आ गया. फुल टॉस दिया था जबकि फ्लैट कैच चला गया यार. फ्लैट कैच चला गया. स्ट्रेट पर खेलता तो आई थिंक विकेट जा सकता था. स्कोर जा सकता था. पीयूष चावला ने कोई मिस्टेक नहीं की और भाई 7 ओवर में 15 रन बना के केन विलियमसन पवेलियन लौट गए. और भाई अब बैटिंग करने के लिए डेविड मिलर आएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा हमारे. ये बॉल पे बाउंड्री माननी है भाई. 4-6 आई डोंट केयर बट बाउंड्री आनी चाहिए. बिल्कुल 4 जाना चाहिए. 2 रन नहीं चला गया. भाई एक्सपेंसिव ओवर गया. बैरन डॉफ का ओवर है. बैरन डॉफ ने एक इंपॉर्टेंट विकेट निकाला विलियमसन का क्योंकि विलियमसन का माइंडसेट भाई अटैकिंग था और भाई हमको अब मिलर का भी माइंडसेट वही रखना पड़ेगा. भाई 6 ओवर में 81 रन बने 2 विकेट डाउन है गुजरात और कुमार कार्तिकेय ने वापस आया है बॉलिंग के लिए. भाई 1 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे बंदे ने और भाई अभी भी वही कर रहा है. पहले बॉल पे बीट किया मेरे को. तू क्या मायूस हो रहा है. तूने तो 1 ओवर में 26 रन खाए थे. हार्दिक पांड्या भाई क्या कर रहे हो. सेकंड बॉल भाई गैप में खेला है. टाइमिंग सही है. 2 रन मिलेंगे क्या. नहीं रिस्क है 2 रन के लिए भी रिस्क है. थर्ड बॉल कुमार कार्तिकेय वर्सेस डेविड मिलर. भाई मिलर ने उठाया ये लेग साइड पे जाना चाहिए. बिल्कुल भाई कार्तिकेय को सिर्फ मिलर ने अभी तक एक बाउंड्री मारी है. भाई पहली बाउंड्री खाई है कुमार कार्तिकेय ने अपनी स्पेल की 2 ओवर के. भाई बहुत ही सही मिलर ने सिक्स मारा लेग साइड पर यहाँ पर. कम ऑन भाई थोड़ा सा ऐसी बैटिंग अप्रोच करनी पड़ेगी हमको. मिसेस एवरीथिंग अर्ली टाइम अर्ली मिस हुआ यार. भाई मिलर भाई
भले आउट मत हो आसिफ, और बॉल को भी आउट करना भाई, फिफ्थ बॉल और सिक्स्थ भाई सही बैटिंग कर रहा है मिलर, बहुत सही बैटिंग कर रहा है भाई, बहुत ही सही लॉन्ग ऑन के ऊपर सिक्स मारा मिलर ने यहाँ पर भाई। कार्तिका की बॉल मिलर ही पढ़ पा रहा है, बाकी तो सुमन गिल नहीं पढ़ पाया कार्तिका की बॉल। आखिरी बॉल है कार्तिका की ओवर का, मिलर ने खेला तो है, फोर तो नहीं जाएगा, आई डोंट थिंक ये फोर जाएगा। चला गया अभी, बाउंस ज्यादा था, ज्यादा बाउंस था, मिड विकेट के बीच में खेला मिलर ने, मुझे लगा था कि एक टाइम के लिए वो कैच हो गया, टाइम क्योंकि अर्ली हो गई थी और बॉल में बाउंस ज्यादा था, बट नो मैन्स लैंड हुआ और वो फोर चला गया। पीयूष चावला इज बैक फ्रॉम द अदर एंड भाई, सात ओवर में 99 रन बने, गुजरात टाइटंस को दो विकेट डाउन है। प्रिद्धिमान सावसिस चावला cuts it off well in the infield. पहला बॉल का डॉट, पहले बॉल पर रिस्पेक्ट दे देनी चाहिए हमको डॉट से, तो भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बॉलर का भाई। 17 बॉल में सिर्फ 24 रन चाहिए यहां पर। सेकंड बॉल यहां पर रन आ जाना चाहिए वैसे, बिल्कुल, तो एक रन ले लिया हमने। पीयूष चावला वर्सेस मिलर होने वाला है अब तो। थर्ड बॉल क्लासिक कवर ड्राइव बट फाइंड्स द फील्डर एट कवर, यहाँ पर भी एक रन मिल गया भाई। ये रिस्की रन्स बहुत दिक्कत देंगे, और क्योंकि बाउंड्रीज आ नहीं रही जो भाई बाउंड्रीज आनी चाहिए। फोर्थ बॉलर वृद्धिमान शाह के लिए फील्डिंग अंदर ले ली यहाँ पर इन लोगों ने भाई, वृद्धिमान शाह के लिए फील्डिंग अंदर क्यों ले ली भाई, उसे शांति से खेलता है, वो दिखता है शांति से खेलने वाला, लेकिन वो खेलता नहीं है। फाइन लेग पर फाइन फोर, ठीक है बढ़िया भाई, सही बैट सही फील्डिंग कर रहे हैं एमआई वाले। लास्ट बॉल है दोस्तों, इसके पहले वाला बॉल डॉट गया था, ड्राइव किया है, ड्राइव किया है, एक रन मिलेगा यहाँ पर भी भाई, एक रन तो मिल जा रहा है। सात रन आए ये ओवर में भी भाई, बुमराह इज बैक इन दी एक्शन भाई, आठ ओवर में तो 6 रन बने और बुमराह आया है 9th ओवर के लिए, तो लास्ट ओवर कौन डालने वाला है भाई। 12 बॉल में 17 रन चाहिए और वृद्धिमान सावस इज बुमराह। राइट शॉट भाई, बाउंसर दिया था बाहर जाता हुआ, एक बाउंस दिया था बॉल के अंदर कुछ ज्यादा ही, और ब्रिलियंट शॉट, टॉका पड़ गया भाई कवर ऑफ साइड पर, बहुत सही ड्राइव किया ऑफ साइड पर, देखो यहाँ पर। तो भाई सिर्फ 11 ओवर में 13 रन चाहिए भाई, मुंबई की बॉलिंग पता नहीं इतनी अच्छी हुई नहीं, हमारे भी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, हमारी भी पिटाई हुई तो हुई थी, अब देखते हैं। भाई कैच होने की जगह चौका चला गया ऑफ साइड पर, ये भी भाई अब गेम गया मुंबई के हाथ से भाई, यहाँ पर गेम निकल गया मुंबई के हाथ से, दो कंटिन्यूस चौके आ गए और यहाँ पर तो कैच बनता था, बट ये फोर चला गया, बुमराह को विकेट नहीं मिले भाई आज यहाँ पर, और अब सिर्फ 9 रन चाहिए जीतने के लिए। बैक फुट पर जाके सिक्स पड़ गया भाई यहाँ पर, तो भाई बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हुआ वृद्धिमान शाह का, दो कंटिन्यूस बाउंड्रीज यहाँ पर सिक्स, और अब तो भाई ओवर, आई थिंक यही ओवर में गेम कंप्लीट हो जानी चाहिए भाई। जबकि पता नहीं यार एमआई की बॉलिंग गलत कहाँ हो गई भाई, ओवर्स तो अच्छे दिए भाई, स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, पांच बॉलर्स की पिटाई हुई है भाई, हमने हार्दिक पांड्या के एक ओवर में 26 रन मारे थे वो मत भूलना, और अब तो सिर्फ 3 रन चाहिए, कम ऑन भाई। बुमराह ने ऐसा बॉल दे दिया गैप में कि जहां पे फोर जाए, गेम ओवर भाई, गेम ओवर, विनिंग शॉट था भाई, वृद्धिमान शाह ने ही पूरे रन मार दिए यहां पर एक ओवर में भाई, आई थिंक 18 रन आए ओवर में, 3-4-1-6 मिलर ने वो लाइक बहुत ही सही सही तरीके से प्लांट की थी मिलर ने। तो भाई गेम तो यहाँ पर एंड हो गया है, 10 ओवर में मुंबई इंडियंस ने 122 रन बनाए और भाई 5 विकेट डाउन थे, और भाई गुजरात ने 8.4 में 124 बना दिए भाई। पता नहीं मुंबई के लिए बॉलिंग कहाँ गलत हो गई भाई, पिटाई तो हमारे बॉलर्स की भी हुई थी, बट भाई इतनी नहीं जितनी मुंबई के बॉलर्स की हुई है भाई। हार्दिक पांड्या को एक ओवर में 26 रन पड़े भाई, बैरन डफ को दो ओवर में 34 रन पड़े भाई, कुमार कार्तिकेया को 21 रन पड़े भाई, भाई लेकिन विकेट निकाला था कुमार कार्तिकेया ने। तो ठीक है दोस्तों, मैं भी ये वीडियो को यहाँ पर ही एंड करता हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे सब्सक्राइब कर देना भाई, कमेंट करके आपका फेवरेट शॉट है, फेवरेट मूवमेंट कौन सा था, और मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी मस्ट और कमेंट करें आप। फिर मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।